खबर दिल्ली से। मकौंस काइट स्कूल द्वारा बनेगी बच्चों के बचपन की नींव मजबूत। बचपन से ही अगर बच्चों की नींव पढ़ाई में मजबूत कर दी जाए और उन्हें अच्छे संस्कार व शिक्षा दी जाए तो समाज में वह बड़े होकर पढ़ाई व मजबूती के साथ खड़े दिखते हैं, साथ ही बचपन से ही उनके भविष्य बनने लगता है। साउथ दिल्ली के छतरपुर किले में दिलेर मेहंदी की वाइफ और डीएम म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर तरन मेहंदी व निगम पार्षद द्वारा प्री नर्सरी स्कूल का उद्घाटन किया गया। स्थानीय लोगों को इस स्कूल के खुलने से और उसके छोटे बच्चों की देखभाल और उनके बचपन की पढ़ाई को मजबूती के साथ केयर करने वाला घर मिल गया। इस अवसर पर तरन मेहंदी ने कहा कि बड़ी खुशी हुई कि बच्चों के लिए उनके बचपन से जुड़ी सभी तरह की सुविधाओं के साथ खेलों के जरिए पढ़ाई को भी बहुत सुंदर जगह बन सकती है। आइए देखिए दिल्ली से हमारे साथी दीप स्वरूप की रिपोर्ट। नहीं नहीं चेयर्स की जरूरत नहीं है। छतरपुर में इस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हमें लगता था कि एक बहुत बड़ा गैप है। तो आई थिंक मकूस के एफर्ट से, पीटी मैम के एफर्ट से, रोहित जी के एफर्ट से वी विल बी एबल टू एक्चुअली प्रोवाइड एक क्वालिटी करिकुलम एंड एजुकेशन टू यंग टॉडलर्स, और वो उनकी एक तरीके से नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हर कोई अपने बाहर के जॉब पे जाता है, ये जाता है, सबसे बड़ी अच्छी बात है। और अपनी प्रीति जी नई शुरुआत कर रही है यहाँ पे प्ले स्कूल, क्योंकि इनकी मैं सराहना करती हूँ, क्योंकि पूरी सुविधा है। जैसा भी है बच्चे जब सुबह से छोड़ के जाएंगे शाम तक अच्छा रहेंगे, जहाँ मैं देख रही हूँ प्ले स्कूल में अच्छी सुविधा की हुई है। क्योंकि बच्चों की जो नींव होती है मैं भी अब ज़्यादा ना बहुत समय लेते हैं, बस इतना ही बोलूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कम एक्सपेक्टेशन रखें, उनको खुलने दें, गैजेट्स से दूर रखें। जब भी वो मेरे स्कूल में एंटर कराएं तो ये सोच के कराएं कि अगर बारिश भी हो रही है तो मैं उनको बारिश में हिंदी में खिलाऊँगी, चाहे उनको रेनकोट लेके भेजें। और यू नो जो मिट्टी होती है, जैसे हम लोग बचपन में खेलते